अब आपको सीधा देहरादून लेकर चलते हैं, जहां जेपी नड्डा अपने 4 दिन के दौरे के दौरान मौजूद हैं और ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देहरादून से 4 दिन का दौरा है जेपी नड्डा का, जहां उनको 14 बड़े बैठकें करनी है और इसके साथ साथ यहां पर विभागों की समीक्षा बैठक में उनको शामिल होना है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये उत्तराखंड दौरा 4 दिनों के दौरे पर है और इस 4 दिनों के दौरे पर 14 बैठकें उनको करनी है। फिलहाल ये लाइव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, बाबा साहेब अम्बेडकर भारत माता को श्रद्धांजलि देते हुए, क्योंकि आज जो बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती भी है और इस अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जेपी नड्डा। देखिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का यह उत्तराखंड दौरा है, 4 दिन के दौरे पर हैं जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री के साथ उनकी वार्ता यहां पर होनी है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री के साथ उन्होंने एक अहम बैठक भी ली है। साथ ही आपको बताएं कि तमाम पदाधिकारियों के साथ भी उनकी वार्ता होनी है। 4 दिन में 14 टोटल बैठकें उनको करनी है और यहाँ पर बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी है उन्होंने, और साथ ही यहाँ पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उनके साथ मौजूद, और यहाँ पर खास तौर पर वार्ता होगी और विभाग समीक्षा होगी, यानी कि विभागीय समीक्षा की जाएगी। संगठन के तमाम लोगों से मिलते हुए जेपी नड्डा, त्रिवेंद्र सिंह रावत और साथ ही तमाम पदाधिकारी। देहरादून से ये लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 4 दिन के दौरे पर हैं जेपी नड्डा, उनके साथ देखिए मुख्यमंत्री भी मौजूद है और तमाम पदाधिकारी संगठन के जो उनके साथ मौजूद, और यहां पर सभी से वो बातचीत करेंगे। और आपको बताएं कि 4 दिन में 14 बैठकें उनको लेनी है। विभागीय स्तर पर वो समीक्षा करेंगे, क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है फिलहाल अधिकारियों को और क्या कुछ समस्याएं यहाँ पर लोगों के सामने आ रही हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री से उनकी खास चर्चा हुई है, मुख्यमंत्री के साथ उन्होंने बैठक की है और कई मुद्दों पर उनसे भी उन्होंने चर्चा की। 4 दिन के दौरे पर जेपी नड्डा जो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, 14 बैठक करेंगे, पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं फिलहाल और तमाम समस्याएं जानने की कोशिश की जाएंगी। देहरादून से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। देहरादून में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे हैं बैठक की बड़ी जानकारी हम आपको दे दें। सभी प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों के साथ ये बैठक कर रहे हैं, जो तस्वीरें हमने आपको लाइव दिखाई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत भी मौजूद है, उसके साथ साथ प्रधान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद है। तो वहीं आपको बताएं कि 4 दिन के दौरे पर जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री उनके साथ मौजूद, संगठन और कार्यक्रम को लेकर चर्चा करेंगे। आगे क्या कुछ संगठन में फेरबदल होगा, क्या कुछ संगठन में समस्याएं सामने आ रही हैं, तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी पदाधिकारियों के साथ। ये प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक, जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तमाम जानकारी के साथ रजत नेगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका मैं रुख करूंगी। रतन, क्या कुछ जानकारी 4 दिन के दौरे पर जेपी नड्डा और उसके साथ साथ ये जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लाइव दिखा रहे थे, प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, किन मुद्दों पर आज चर्चा हो सकती है? देखिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज तीसरा दिन है दौरे का। पहले दिन उन्होंने हरिद्वार में साधु समाज के साथ मुलाकात करी, कल उनका देहरादून में भव्य स्वागत यहाँ पर किया गया, कल 5 बैठकें ली और आज इस सबसे पहले सुबह उन्होंने संघ कार्यालय जाकर के जलपान यहाँ पर ग्रहण किया, परिवार से वो यहाँ पर मिले। और इस वक्त की अगर बात की जाए तो बीजापुर गेस्ट हाउस में प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत सहित तमाम पदाधिकारी और संगठन मंत्री इस बैठक में मौजूद है। इसमें भाजपा के सभी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी बैठक में मौजूद है और इस बैठक में संगठन और के कार्यक्रमों को लेकर के चर्चा यहाँ पर जारी है। अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये दौरा देखिए बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि देखिए उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड में 2017 की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को भरपूर समर्थन उत्तराखंड की जनता ने दिया, 57 सीट दी। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी की आगे चुनौती है एक बार फिर से उसको दोहराना। कल बंशीधर भगत ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को विश्वास दिलाया कि इस बार उत्तराखंड में 60 सीटें भाजपा लाने जा रही है, तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत
रावत ने भी विश्वास दिलाया है कि उत्तराखंड में दोबारा से फिर से डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। वहीं जेपी नड्डा ने अपनी बात से लगातार कार्यकर्ता को नसीहत भी यहाँ पर दी है और कह सकते हैं कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं नहीं हम को लेकर हम की बात होनी चाहिए, यानी कि सबको साथ लेकर चलना चाहिए, संगठन को मजबूती से किस तरह से और आगे बढ़ाना है इस पर उन्होंने चर्चा की है। अपना जो जीत का मल जीत का अगर हम जीत की अगर हम बात करते हैं जीत का जो सूत्र है वो उन्होंने यहाँ पर दिया है, जीत का सूत्र उन्होंने यहाँ पर दिया है पन्ना प्रमुख की भूमिका महत्वपूर्ण होगी, इस बात को उन्होंने यहाँ पर रखा है कि आने वाले चुनाव में पन्ना प्रमुखों की जो भूमिका है वो बहुत काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। अब बूथ स्तर की अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा अगर हमने बूथ जीत लिया तो समझ लीजिए उत्तराखंड जीत गया, इस तरह की बात को उन्होंने यहाँ पर रखा है। उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो चाहे पदाधिकारी हो, संगठन मंत्री हो, सांसद हो या विधायक हो, हर मोर्चे के अध्यक्षों के साथ परिचर्चा में नड्डा की तरफ से ये नसीहत को जोड़कर देखा जा रहा है। जब उन्होंने इस बात को कहा है कि मैं नहीं हमें हम की भाषा में काम करना है, हमें सबको साथ लेकर चलना है, तो हम कह सकते हैं कि जेपी नड्डा की नसीहत और अभी चुनाव से पहले यहाँ पर हो गया है। के पदाधिकारियों के साथ जो बैठक है वो बहुत महत्वपूर्ण साबित हो जाती है क्योंकि जो समस्याएं पदाधिकारियों को सामने आ रही हैं कम से कम जेपी नड्डा उससे वाकिफ होंगे।